स्टूडेंट्स, आज हम कोलाज वर्क करेंगे जिसमें कि मैं पेपर कोलाज वर्क आपको बताऊंगी। पेपर कोलाज वर्क करने के लिए ये छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर हम यूज़ करेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे कि कलर कॉम्बिनेशन जो भी हमें हमारी ड्रेस का चाहिए हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग, एक तो उसका हमें ध्यान रखना है। जो कलर कॉम्बिनेशन हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसके टेंट्स और शेड्स के पेपर्स हमें सेलेक्ट करने होंगे। इनके लिए आप ग्लॉसी मैगजीन पेपर्स, कार्ड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। पेपर कोलाज करने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे ऐसे पीसेस मैंने देखिए कर लिए हैं और ये मेरा फिगर है। अब इसमें मैं इनको अरेंज करूँगी, जो भी मेरी जहाँ पर भी मुझे शेडिंग करनी है उसके हिसाब से, जो पार्ट इनर पोर्शन है उसमें हम डार्कर टोन्स लेंगे और जो लाइट बाहर है पोर्शन उसमें हम टेंट्स लेंगे उसी कलर के, ताकि हमारा जो थ्री डायमेंशनल इफ़ेक्ट है वो भी आ सके। मैंने जो हमारा टॉपिक है उस विंटर वेयर के हिसाब से एक पूरा पीस कट कर लिया और जो मैं इसका ट्राउज़र बनाऊंगी उसके लिए मैंने छोटे छोटे पीसेस पेपर्स के यूज़ किए हैं, जो कि एक मोज़ेक पेपर वर्क का आपको रिफ्लेक्शन देंगे। और फेविकॉल की हेल्प से अब हम इन सबको अरेंज करते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक पूरा पीस एक मैगज़ीन में से लिया और इसको इसके ऊपर अरेंज कर दिया, तो ये इसका ड्रेस का अपर पोर्शन बन गया। अब नीचे इसके ट्राउज़र में जो इसका हमें ट्राउज़र पोर्शन दिखाना है उसके लिए फेविकॉल लगाइए और पीसेस को अरेंज करते जाइए। जो हिस्सा आपका आपको लग रहा है कि रोशनी के अगेंस्ट में है उसमें आप डार्कर टोन्स इस्तेमाल कीजिए, और जो हिस्सा आपको लग रहा है कि रोशनी के सामने है उसमें उसके लाइटर टोन्स को, उसकी ड्रेस की आउटलाइन को ध्यान में रखते हुए अरेंज कीजिए। उतने ही पोर्शन में आप अपना फेविकॉल या ग्लू लगाइए जितना पोर्शन आपको एक टाइम में करना हो, नहीं तो बाकी हिस्सा वो सूख जाएगा। उतने उतने पोर्शन को कंप्लीट करते जाइए और अपना पेपर कोलाज में बच्चों इसी बात का ध्यान रखा जाता है कि जो पैटर्न है वो अब आपके ड्रेस के आउटलाइन में जो आपने पेपर्स काटे हैं, जो आपने छोटे छोटे पेपर्स यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी जो आपकी ड्रेस है उसकी आउटलाइन में आप फिट करते जाइए। इनको आप काटिए मत हाथ से, जब आप इनके छोटे छोटे टुकड़े करके इनको यूज़ करेंगे तो जो इनकी आउटलाइन का शेप एक ओवरऑल आपको लुक देगा वो इसका कोलाज इम्प्रेशन होगा। आप कोलाज वर्क किसी भी चीज़ को यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन वो जो भी मटेरियल आप कोलाज वर्क में यूज़ करें वो ध्यान रखिए कि उस डिज़ाइन को सूट करने चाहिए। आपके जो आपका डिज़ाइन है उसको एक्सप्रेस कर दे। इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे पीसेस को अरेंज करके
आप चाहें तो और भी छोटे छोटे पीसेस इसमें। इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमें इसकी स्किन की और इसकी फेस की डिटेलिंग करनी है वो हम पेंसिल कलर्स यूज़ करके कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से इम्प्रेशन देगा जब हमारा पूरा हो जाएगा। अब हम इसकी डिटेलिंग करेंगे, उसके लिए कलर्स यूज़ करेंगे। आप पोस्टर कलर्स और दूसरे मीडियम्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसी आपको ज़रूरत महसूस हो। ये इसके शूज़ की डिटेलिंग हो गई। डिटेलिंग करने का तरीका वही रखेंगे, ब्रोकन आउटलाइंस में। इसके एक्स्ट्रा फीचर्स, पॉकेट्स, बेल्स वगैरह को भी आप कलर से निकाल सकते हैं। जब भी स्ट्रेट हैचिंग करें उसके बाद डायगनल स्केचिंग हैचिंग ज़रूर करें ताकि वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से।